कई एक चीजें हो रही है जिसमें कई तरह के असर पड़ रहे हैं, और इसमें एक एक और असर पड़ा है कोरोना का, वो है हॉस्टल का। बॉयज हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, वो खाली हो रहे हैं क्योंकि कॉलेज और कोचिंग बंद है, और इस वजह से छात्र छात्राएं अपने घर लौटने लगे। हालांकि उन्होंने इंतजार किया था 15 जनवरी का कि शायद उसके बाद चीजें हो जाए, हो सकता है शिक्षा फिर से शुरू हो जाए, शिक्षण संस्थान खुल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसे में अब हॉस्टल व्यवसाय से जुड़े लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम कोचिंग तो खुलवा दिया जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब बच्चे लोग सब चले गए हैं, सब हम लोग का स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गया है जाने, बहुत स्थिति खराब है जाने, क्या कीजिएगा। सरकार से कुछ ऐसा मतलब निष्कर्ष निकलता कि हम लोग भी मतलब कोचिंग भी चलते रहता और कुछ बीच का रास्ता कुछ निकल जाता है जाने। अभी आपने जो कुछ सुना वो एक हॉस्टल संचालक की पीड़ा है, जिससे अमूमन सभी हॉस्टल संचालक जूझ रहे हैं। कोचिंग बंद है, कॉलेज बंद है, ऐसे में हॉस्टल छोड़कर घर जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हॉस्टल के कमरे लगभग खाली हो गए। ये सब कुछ शौक से हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। कुछ दिनों तक लोगों ने 14 जनवरी तक इंतजार किया कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ाने की बारी आई तो लोगों ने घर जाना ही बेहतर समझा। लोग को तो बहुत नुकसान हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हॉस्टल खोजे, बच्ची को रखे, लेकिन है सब बंद होने चलते फिर उनको परेशानी बढ़ गया। बस नुकसान है, परेशानी है। परेशानी तो है, नुकसान भी है। हम अभी बच्ची को लेने के लिए आए। इधर छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार शैक्षणिक गतिविधियों को सबसे गैर जरूरी कार्य समझती है, अन्यथा कोई वजह नहीं कि मॉल और दुकानें 50% क्षमता के साथ खुले रहे लेकिन कोचिंग को बंद करके रखा जाए। नीपी आया है, हम लोग पहले वहाँ से समझते हैं। नई शिक्षा नीति एक ऐसी नीति है जहाँ पे सिर्फ 15% बच्चों को पढ़ाई के लिए जगह दिया जा रहा है। मात्र 15% बच्चे ही पढ़ेंगे जो आगे जा करके इस देश में कुछ बड़ा कर सकते हैं, चाहे वो आधिकारिक रूप से हो, किसी और इंडस्ट्री के रूप में हो। और अगर ये जो एनईपी के साथ साथ अगर हम अभी कोचिंग को बंद होता हुआ देख रहे हैं तो उसी का हिस्सा है। जब कोचिंग्स बंद है, क्लासेस बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, बाजार खुले हैं, सबसे बड़ा मामला है बाजार खुले, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ के बच्चों को, यहाँ के छात्रों को पढ़ने का मौका दे नहीं रहे। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कहाँ से। कोरोना की वजह से अभी लॉकडाउन बढ़ेगा, ऐसे में इसी तरीके से हॉस्टल खाली होते रहेंगे और इससे हॉस्टल संचालक परेशान है। कोरोना काल की वजह से हॉस्टल संचालक पहले से ही परेशान थे। रही सही कसर दूसरी और तीसरी लहर ने पूरी कर दी है, हॉस्टल धराधर खाली हो रहे हैं। ऐसे में हॉस्टल संचालकों की कमर तक टूट गई है। कैमरा विशाल के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।